जी, बोलिए। मतलब ये कि बता रहे हैं ये जो सिंध में इसमें अपील कर रहे हैं लोगों से, ठीक है जो भी हुआ, लेकिन ये जो इतनी दौलतें लेके बाहर बैठे हुए हैं, एमएनए खरीदते हैं करोड़ों रुपए में, तो क्या ये खर्च नहीं कर सकते? क्या इनको शर्म नहीं आती है कि ये खर्चा करें और ये जो इतना पैसा अपनी जात पे लगा रहे हैं, इतने प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं, जी। तो ये इंसानियत नहीं है इन लोगों में इस बात की? ये दूसरों से कह रहे हैं, शर्म तो इनको आती नहीं है, सारा पैसा लूट के ले गए ये लोग, और ऊपर से अब अपील कर रहे हैं, खुद अपनी गिरवानों में नहीं झांक रहे ये लोग कि हमने क्या किया है। अगर ये पहले से बना लेते चीजें तो आज ये हालात तो नहीं होते। बंद इन्होंने बनाने नहीं दिए, डैम बनाने नहीं दिए, कुछ करने नहीं दिया, अपने काम में तो ये इतने वो हैं कि माशाल्लाह, लेकिन ये क्या मदद करेंगे? यानी कि आप कह रही हैं ये कोई मदद नहीं करेंगे? ये कुछ मदद करने वाले होते तो आज ये हालात होते? 1,10,00,000 रुपए जो मिले हैं IMF से, तो ये कहाँ लगाएंगे फिर? ओ भाई, ये खुद ही लगा लेंगे, अपनी जातों पे लगाएंगे। अभी आप देख नहीं रही, मरियम नवाज का प्रोटोकॉल देखा नहीं आपने? जी। क्या करके आई है वो वहाँ पे? और ये मरियम नवाज साहिबा गई जरूर, मगर कुछ लेके नहीं गई, खाली हाथ गई। गई थी तो जाती तो कुछ लेके जाती, और बताया उन्होंने कि मैं आ रही हूँ तो मेरे प्रोटोकॉल के लिए लोग निकले। बेचारे खड़े हुए एक उम्मीद के साथ, एक उम्मीद लेके खड़े हुए थे, पर ना मरियम नवाज साहिबा ने एक ढीला, एक डॉलर, एक रुपया, एक कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ नहीं दिया, तो लोगों ने कहा कि कम से कम मरियम नवाज साहिबा इतने भरमबाजी से गई थी। आई एम रियली अप्रिशिएट कि वो गई, उन्होंने सोचा उनके लिए, अवाम के लिए सोचा कि वो जा रही है उनकी करने के लिए, उनकी थोड़ी दिल आजारी करने के लिए, चलो जी इनको हौसला देने के लिए जा रही थी, पर उनकी दिल आजारी कर आ गई हौसला के बजाय, कि उनको कुछ नहीं दिया, कुछ हौसला भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खाली हाथ गई, और खाली हाथ आ गई, जबकि अल्लाह ने उनको बहुत दिया, पर उन्होंने खाली हाथ गई, खाली हाथ आ गई। जी नहीं, इन लोगों को अगर इतनी हिम्मत और तौफीक होती तो ये ऐसी हरकतें क्यों करते? ये जो कुछ पैसा लूट के ले गए, इतना कुछ इन्होंने कर लिया, इनको मुल्क से मोहब्बत है? इनको नहीं है, इनको अपने आप से मोहब्बत है। ये मुल्क के नाम पे सिर्फ लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते। ये जिस तरह के हैं, यकीन करें दिल दुखता है, हम अपने मुल्क ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, सैलाब से बहुत जो अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के हाथों में तो हम देना नहीं चाहते। ये तो वो चोर लोग हैं जो पहले भी एक ही एक हार पहन के बैठ गए, आप जानती हैं सब, ये इस तरह के नहीं है। इनके ऊपर हाथों में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर दुनिया मदद करे तो खुद जाके पर्सनली मदद करें, इन लोगों के जरिए मदद ना कराएं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये खा जाएंगे, ये लोगों को शर्म नहीं आती जो मरेंगे ना, तो इनके साथ अगर किसी ने मदद अगर करनी है तो आपको उठा के नहीं करनी। आप अगर इकट्ठे में होटल पे काम करके तो लोगों की मदद करते हैं तो वो भी करते हैं, सब लोग करते हैं। नहीं नहीं, क्या करें, आपकी भी राय लेनी होती है, आपको भी बात जानी होती है, आपकी बात भी, तो जरूर कॉल किया करें। मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर आए, कॉलर की बात जाए, दूर दूर तक जाए कि ओवरसीज के लोगों के माइंड क्या चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है। जिस तरह आपने अभी कहा कि मरियम नवाज साहिबा का भी आपने देखा, मैं तो खुद कहा कि मैं तो खुद अप्रिशिएट करती हूँ, चलो उन्होंने सोचा जाने के लिए, मगर गई थी तो कुछ लेके जाती, ऐसे नहीं जाती कि उम्मीद भी नहीं दिला सकी उनको, सिर्फ फोटो शूट करके वापस आ गई। अब क्राउड को जमा किया, मगर क्राउड बिल्कुल मायूस हो गया, कोई खुशी की लहर उनके चेहरे पे नहीं आई लोगों के, इसलिए कि वो बेचारे इस वक्त तो मायूस हुए हैं, उनको तो चाहिए, समझ लें। वो ना ये फोटो शूट के लिए जाते हैं, उससे पहले जब ये सिंध में जब ये आपके नवाज शहबाज शरीफ साहब गए और उनके साथ वो मुराद सईद और ये बिलावल खड़े हुए थे, बड़े उससे बस फोटो शूट कराते हैं। इनको कोई हमदर्दी नहीं, इनको हमदर्दी हो ना तो ये जो कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है तो ये दूसरे खर्चे क्यों कर रहे हैं? पूरे टोले के टोले कतर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैसे बचा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने 14 अगस्त की आजादी पे क्या किया था, कितना पैसा खर्च किया, क्या लोगों को पता नहीं है? लोग सब समझते हैं, लेकिन इन लोगों पे ट्रस्ट करना, और इनको मैं समझ नहीं आती कि इनको लाया क्यों गया, इतना कुछ जानने के बावजूद इन्हें बिठाया क्यों गया। तो दुख होता है कि भाई ठीक है, हम इमरान खान को भी नहीं कह रहे, कोई भी दुलावा दूसरे दुलावा नहीं है, कोई भी दूसरे दुले हुए नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। इमरान खान के साथ भी जो लोग हैं तो वो लोग कितनी गलतियां करा चुके हैं, कितनी गलतियां, गलत फैसले किए। इमरान खान ने भी 3 गलत फैसले किए जो उनसे करवाए गए, उन्होंने देखा भी नहीं जिस वक्त जो है। जी जी नहीं, वो बात आपकी सही है ना, देखे ना, जब एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन जब आप प्रेशर जी इत्तेहाद में रखे जी 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 करना है तो करें। मैं हम तो खुद जानते हैं इमरान खान की पार्टी में कितने लोग ऐसे हैं जी, लोग क्या है। मगर मेरी बहन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी 100% क्या मतलब मिलियन % आपकी बात से एग्री हूँ,
आप मुझे बताएं कि आप जो हमारा आवाज फाउंडेशन है उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं? हम जो कर रहे हैं वो बता सकते हैं, ये चीजों में एक हाथ दो और दूसरे आपको खबर ना हो। सही कह रही है, ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है ना। तो बस आपको आपको क्या पता कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं किया, ये तो मेरी बहन ऐलान करूँ कि मैं ये दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ऐलान की बात ही कुछ नहीं कर रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐलान कर रहे हैं कि आपने हमने करना है। मेरी बहन, अगर बात आप मेरी बात सुनना है, मेरी एक सेकंड बात सुन लें, मेरी बड़ी बहन मेरी बात सुन लें, छोटी बहन बड़ी बहन जो भी आप समझे, कहने का मेरा ये मतलब है कि हम इस वक्त बात है पाकिस्तान की, ठीक है, हमें आई हेट मरियम। मैं 10 दफा आपसे कहता हूँ, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बहन मेरी बात तो सुन लें, पहले हम ये देखें अपने गरबान में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम मरियम को बोले, हम इमरान खान को बोले, हम नवाज शरीफ को बोले, हम क्या कर रहे हैं पहले हम वो देखें। मैंने आपसे भी एक बात, अल्लाह का शुक्र है, पहली बात सुने आप मेरी बात सुने, हमारी जमीर मुतमईन है, हमें जो कुछ करते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, बता के नहीं करते, या हमारे अपने बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत कुछ किया है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मेरे बच्चे ने आज से 2 हफ्ते पहले ही डोनेशन, अल्लाह उनको और तौफीक दे, हमें अल्लाह से, हमने कोई इनके बारे में, तो इनके बारे में क्या बुरे को बुरा कहना क्या गलत है? बुरे है तो बुरा कह रहे हैं, अच्छे होंगे तो कुरान में तबर्रा, कुरान के अंदर तबर्रा, बुरा कह दिल में बुरा समझे ये बात होती है ना, तो हम उनको सही बुरा कह रहे हैं ना। अगर लोग अच्छे काम किए होते तो हम आज उनको अच्छा कहते, जी सही कह रही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ, मुझे जो देना है या मैंने जो देना है दिया है वो हमने कर दिया, लेकिन हमारी दुआएं भी हम कर रहे हैं, हमारे भी अपने लोग पाकिस्तान में बैठे हुए, हम खुद पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनको बुरा कहने का हमें हक है और हम कहेंगे। लूटा इन्होंने, हमने नहीं लूटा, हमने लूटा नहीं, हम यहाँ मेहनत से आए, मेहनत से कमा रहे हैं, और जो अपने मुल्क को ही तो देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, अपने मुल्क को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, अपने मुल्क के लिए तड़प रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग बैठ गए, हुकूमतें कर ली, लूट गए, और फिर भी इन्हें लाके बैठा दिया गया, फिर भी इनके बारे में जान के बैठा दिया गया, मुझे पता है ये गलत है, क्यों किया? छोड़ दें, नहीं नहीं आप सैलाब की बात भी ना करें, इस महंगाई से कितने लोगों के मसले परेशान हो रहे हैं, 400 रुपए सोचे टमाटर मिल रहे हैं, 400 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, सैलाब और तूफान ये आया, ये तो एक कुदरती आफात है ना, और वो आनी थी, सबको पता था, जिस तरह इन्होंने कर रखा है, कभी डैम नहीं बनने दिए, मेरी बहन आप मेरी बात का गलत मतलब मत लें, मैंने आपकी बात का गलत मतलब नहीं लिया, बस मैं आपको ये कह रही हूँ, हम इन्हें बुरा कहेंगे, और हम चाहते हैं अल्लाह मियाँ दुनिया में ऐसे लोगों को दिखाए, इबरत बनाए, ताकि दूसरे सबक लें, अल्लाह मियाँ रस्सी खींचे ऐसे लोगों की, तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तो नजर आ रहा है, बहुत नजर आ रहा है। एक बात आपको और सारे कॉलरों को क्लियर कर दूं कि जब आपकी कॉल आई मैं होल्ड पे था, मेरी कॉल होल्ड पे चली गई थी, मैंने कॉल बंद करके दोबारा मिलाई सिर्फ इस वजह से कि हम जो ये काम कर रहे हैं आवाज फाउंडेशन वाले, इसमें क्योंकि मेरी बहन तो ये मैं उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना वो भी खुश रहे, मेरी बहन अमीना ने ना, मेरा ये मतलब है कि आप इस बात का या कोई और कॉलर इस बात का मतलब ना निकाले, ये तो शो कॉलर का शो है जी, पेड आदमी हूँ या मैं इस वजह से आप पे फोर्स कर रहा हूँ, मेरी बहन ये मेरा मतलब, मैंने कहा क्लियर कर दूं कि सिर्फ हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इस कनाडा में इस टोरंटो में हम सिर्फ इस बहन को जानते हैं कि जिसको मैंने भी दिए हैं, जिसको और मेरे यानी दूसरे भाइयों ने कॉलरों ने भी पैसे दिए, इसी वजह से आपकी कॉल आई, आपकी कॉल आई तो मैंने इसी वजह से कहा अगर आप ही इसमें कुछ डोनेट करना चाहें तो आपका हमारे मुल्क पे तो एहसान नहीं, मैं कहूंगा मेरे ऊपर आपका एहसान ही नहीं, हम तो किसी पे भी एहसान नहीं कर रहे, सही कह रही, कोई भी किसी के कहने से नहीं करता, ये अल्लाह करवाता है और अल्लाह ही करता है। ये मेरी बहन, मैंने क्योंकि वही बात है अभी आपको बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो भी कॉलर आएगा मैं उससे ये बात जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं है, वही बात मैं यही बात आपको रिपीट अगेन, मेरा काम नहीं है, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है ना, हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है, और किसको मोहब्बत नहीं होगी, हमें पता है ना हम अपने ये मुल्क कैसे बनाए, हमें मुल्क से मोहब्बत है और बिल्कुल करते हैं, और सब कुछ वहीं करवाते हैं, यहाँ पे हम कुर्बानी तक हम वहीं करवाते हैं, जकात के पैसे भी हम वहीं भेजते हैं, यहाँ नहीं करते। मरियम इमरान खान हमने तो आज इस प्रोग्राम में आई है, हमने पिछले हफ्ते से हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई सियासत होती रहेगी, कि मरियम बहुत बुरी है, इमरान खान बहुत बुरा है, ये सियासतें होती रहेंगी, मगर ये इमदाद जो है
ये अगर आज नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। जो गरीब है वो बेचारा मर जाए। वो तो होगी इंशाल्लाह, वो होती रहेगी बहन। तो वही बात, वही आपसे मैं कह रहा हूँ ना, इदारे हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हो रहा है, सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी क्राइसिस से हमारा मुल्क निकला है, अब भी निकल जाएगा।